बहुत हार्ड में बहुत डिसिप्लिन में हमें सिखाया गया था पूरी कैरियर, तो वो करना मैंने कर सकता बट मैंने किया था। तो जैसे मैं एनसीसी सुनता हूँ तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों से आकर्षित होकर चला सकता फैमिली मेम्बर, और यही वजह है कि आप बहुत व्यस्तम समय में से निकाल के मैं आप लोगों के बीच और इतने सुदूर एरिया सुदूर इतने परिहार का बहुत लास्ट बॉर्डर एरिया में हम लोग आए। बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भी आप लोग कर रहे हैं जहां भी आप लोग स्टडी कर रहे हैं वहां बेटर करें। एनसीसी कम से कम आपको एक डिसिप्लिन अनुशासन में रहना सिखाता है, आपके तौर तरीके आपके बॉडी लैंग्वेज स्पेशली आपको बहुत हाई लेवल तक लेके जाता है। एंड सेकेंड थिंग की जो आपका नंबर कार्ड चल रही है तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो नॉर्मल वे में आपको नहीं मिलता है, आप जब एनसीसी और ट्रेनिंग का आप लोग ट्रेनिंग है चल रही है डिसिप्लिन आप लोगों ने इतना सीखा है। लीव जो है वो एनसीसी जितने कैडेट्स हैं उनको होता ही होता है, उनको बताया जाता है सिखाया जाता है। आप जहां भी विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं जिले की रांची और झारखंड से आए हैं बिहार से आए हैं लोकल हैं धीरे जी और एक दो लोग ट्रेनिंग के लोकल सीतामढ़ी के हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक गुलाब बिहार झारखंड के एनसीसी और एसएसटी पटना से ज्यादा लोग आए हुए ऑफिसर और कैडेट भी पटना से आए हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आगे भी इस तरह के आयोजन जो है सुदूर एरिया में जाए गांव तक के अवेयरनेस जाए और एनसीसी कैडेट नॉट को कि आप कैडेट हैं बल्कि जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब आपात स्थिति आती है इमरजेंसी आती है एनसीसी कैडेट का रोल जो है बहुत बढ़ जाता है। इतना ही नहीं रोड सेफ्टी को लेकर हमें पटना में ट्रेनिंग दी गई थी एसएसटी दिल्ली रोड पे और मुझे याद है कि आज से 10 ईयर्स पहले 2006-07 में नहीं 10 ईयर्स नहीं 8 ईयर्स में 2007-08 में हम लोगों ने रोड सेफ्टी तब मैं वही पटना जा रहा था, तो मुझे लगता है कि ऐसे रोड सेफ्टी या दूसरे भी जो आयोजन है वो होना चाहिए दूसरे इवेंट भी होने चाहिए। और यहाँ मुझे अच्छा लगा टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों के बीच मैं कुछ बोल पा रहा हूँ बात कर पा रहा हूँ, लेकिन सभी के लिए जितने भी ऑफिसर्स हैं जितने कैडेट हुए हुए हैं और कैडेट सबके उत्तम राइट सोचा की मैं शुभकामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। आकिब अंसारी कौन कौन
तो क्योंकि इतनी डिसिप्लिन एनसीसी कैडेट में होती है, और आपको बताऊं कि मैं भी एनसीसी कैडेट रहा था, और पटना कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। पटना कॉलेज में एनसीसी आपने देखा होगा, जस्ट ग्राउंड के राइट साइड में है। तो पटना कॉलेज में एनसीसी में था, लेकिन आप लोगों की तरह बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहा, क्योंकि मुझे आईएएस बनना था। तो बहुत कम ऐसा हुआ जब भी सोशल वर्क हुआ, या फिर आज तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन हुए हैं। कल अखबार मेरा बहुत फेवरेट रहा था, इसमें मैं बहुत बहुत पार्टिसिपेट करता था।